इतनी मेहनत करने के बाद में पैसे फाइनली भेज दिए। अब अपन आ गए हैं बहरीन एक्सचेंज में। हाँ, आने के बाद नेपाली बंदा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। दिल की बात बोल दिया, बढ़िया बंदा है हमारा दोस्त है। नेपाल उधर से आने के टाइम में बहुत मिस करके आया है, अभी मिला है। उसे दूसरे को पेपर ही दिखा दिया। हाउ मच फॉर दिस वन? 850 835 kg। कमीशन ये रहा मेरा पूरा चिट्टा पट्टा। $2,25,000 भेजने का हो रहा है 843 न्यूज। देन इसके अंदर एक दिनार 250 मेरे को भेजना पड़ेगा। किसका भेजने का चार्जेस लगेगा कुछ 350 रुपये के आसपास। मम्मी से बात कर ले तो मम्मी फाइनली तुम्हारा बेटा 2,25,000 भेज दिया है आपके अकाउंट में। ओके, आपको कैसा लग रहा है? ₹2,25,000। अब तू अब लखपति हो गई हो, आप लखपति बन गई हो। इंडिया का रेट क्या चल रहा है? How much KD you charge? 1 KD rupee. तो भाई अभी ये मेरा फैमिली टाइम है। तो फैमिली के अंदर कौन कौन है देखो, मेरी मम्मा है, राधा दीदी, साधना दीदी एंड गौरी दीदी। तो एक्चुअली मैं रक्षाबंधन के इस अवसर पर नहीं हूँ ना घर पर, तो मैंने सोचा कि चलो अपना वीडियो कॉल पर ही बात कर ले एंड सबसे बधाई वधाई जो भी बातें होती है। तो अभी ये फैमिली टाइम है, रक्षाबंधन की ढेर सारी बातें हो रही है कि क्या सीन है क्या नहीं है। तो ये रही मेरी सारी दीदियाँ। अभी कुछ लोगों को ऐड किया हूँ मगर वो लोग अभी उठाए नहीं है, बट हाँ 3 लोगों ने उठाया है एंड साथ में मम्मी भी है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो हाय, हाउ आर यू एवरीवन? चलो तो मैं बहुत सारी बातें कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो अभी बज रहे हैं कितने, 5:30 और मैं जस्ट अभी सो के उठा गाइस और चलते हैं आज का धमाल करने के लिए। तो आज मैं भेजने जा रहा हूँ 2,25,000 रुपए। तो कितना पैसा होता है, कितना क्या होता है, बट उसके लिए ना मैं एक स्ट्रैटेजी देखने वाला हूँ। यहाँ पर है ना इस बिल्डिंग के पीछे एक अलमुल्ला है और बाकी के जगह पर 2-3-4 अलग एक्सचेंज बैंक है। तो मैं सारे बैंक में जाने वाला हूँ और पूछने वाला हूँ कि रेट क्या है, जिस अलमुल्ला जिस या एक्सचेंज रेट पर ज़्यादा रेट होगा उसी के पास अपन जाने वाले हैं आज। तो लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से। ओके यस। तो तुम्हारा भाई इन प्यारी प्यारी बिल्डिंगों के बीच में रहता है, तो अच्छी बात है ना यार। जो भी लोग महाबुला में वैसे मिलने आए उनको फिर से अभी शुक्रिया करता हूँ। और लेट्स देयर इज महाबुला एक्सचेंज वहाँ पर फाइनली। तो जाके पूछते हैं और देखते हैं क्या रेट क्या है, क्या सीन है। तो जी हाँ, पहले एक दिनार लगता था पैसे भेजने का, अब एक दिनार रूपा लगता है। तो मैं पूछ लेता हूँ पहले, फिर इंडियन रेट हाउ मच? 6 o'clock। ओह यार यार, ये कितनी ऑसम है। दे विल अ बिट दिस वन, हाँ ओके ओके आई विल सेंड। तो भाई साहब यहाँ पे अभी अमाउंट चल रहा है 267 का, बट इंटरनेट पे चेक किया था मैंने 268 का। हम लोग यहाँ से नहीं भेजने वाले, सो लेट्स गो टू अनदर एक्सचेंज में। तो 3-4 एक्सचेंज वहाँ पर है, अब देखते हैं किसमें क्या ज़्यादा मिलता है। ओके, पहला हमने कंप्लीट कर लिया मिशन, अब दूसरा मिशन उसके वो दो बिल्डिंग के पीछे। अब अपन आ गए हैं बहरीन एक्सचेंज में, तो लेट्स गो बहरीन एक्सचेंज का क्या सीन है। इंडिया का रेट क्या चल रहा है? 267। 6 बजे बढ़ेगा क्या, वैसे रहेगा?
चलो भाई ये लोग भी 267 ही बोल रहे हैं। लेट्स गो वन मोर। तो आप उन आ गए इसमें अल मुलानी में। अब इसका क्या सीन है अभी इसमें पूछ लेते हैं। इंडिया रेट 267.02 माफी इंक्रीज इफ आई सेंड मोर देन लाइक 855 के डी How much? 14,000. How much this KD? 85 KD. 855 KD. Yeah. Without charge. 2 lakhs. 2,28,000. What is your charges? What is your charges? This one without charges. Okay, which charges? How much? How much you charge? So if it's with charge, it will be 85, 56. How much KD you charge? 1 KD. 1 KD over? Yes. Okay. I'll come. भाई यहाँ पे भी 267 का rate चल रहा है ना? तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 267 और 270 लाइक दैट बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इंक्रीज। लेट्स गो अनदर अल मुलानी में। तो चलते हैं वहाँ पर पूछते हैं आपको। तो यार अभी अपन जा रहे हैं वाले वहाँ पर जहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंज एक साथ में ही है नियर बाय डोमिनोज के बाजू में। तो फिर वहाँ से ही अगर कुछ बनता है तो ठीक है, नहीं तो वी विल गो समवेयर एल्स। नहीं बना तो मेरे को 267 पे एनी हाउ भेजना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स अ बिग अमाउंट। चलो दूसरी जगह। एंड एक सब्सक्राइबर का मैसेज आ रखा है भाई मिलना है। तो इसी बहाने उसी जगह पे जहाँ पे जा रहे हैं एक्सचेंज के पास में ही हो रहे थे तो लेट्स गो उनसे भी मिल लेंगे। तो भाई तो पहले यहाँ पे पूछते हैं अमन, उसके बाद में दो तीन और हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इंडिया का रेट, व्हाट इज रेट फॉर इंडिया? इसको रेट पूछा तो उसने मेरे को पेपर ही दिखा दिया। एक्चुअली शी फिलीपींस से। भाई काम हो रहा है, वीडियो में बहुत सारी आवाज़ आ रही है। तो हमेशा यार मुल्ला में ना हमेशा ही भीड़ होता है। तो ठीक ये यार इसके पूछेंगे नहीं तो फिर चलते हैं यहाँ से। $2,23,000. दो लाख 25,000 भेजने का हो रहा है 843 नोट। देन इसके अंदर एक दिनार 250 मेरे को भेजना पड़ेगा। किसका भेजने का चार्जेस लगेगा कुछ 350 रुपये के आसपास। तो क्या किया जाए? हाँ जाते हैं पहले दोस्त से मिलते हैं फिर वापस आते हैं। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है अपना। तो पहले क्योंकि यार एक एक रुपया अगर इंक्रीज होता है ना तो रेट भेजने में मज़ा आता है। ये मैंने 4-5 लोगों को पूछ लिया एक जगह कितना 267.17 था, अभी नाउ 267.70 है। तो 70 वाला मेरे को काफ़ी बेटर लग रहा है। तो पहले एक सब्सक्राइबर से मिल लेते हैं देन वी विल गो अगेन कम हियर एंड देन सेम। पहले मैं उसी कंपनी में काम करता था भाई पापा जूल्स। सही है
तो गाइस मैं आ गया अपने अपने कंपनी के नए वाले अकोमोडेशन पर। ये नया वाला एक टाइम मेरी चाह थी कि मैं नए अकोमोडेशन पे जाऊं, बट अच्छा हुआ मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिम नहीं है, खाली मेरे अकोमोडेशन में खाली जिम है। ये मेरे लिए प्लस बेनिफिट है। तो अगर नहीं होता तो फिर मेरे को ना ऐसा स्ट्रीट पे से भागना पड़ता। सो आई एम हियर नाउ फॉर वन ऑफ द सब्सक्राइबर। ओ देखो दो लोग आ गए। भाई ये दोनों हैं सब्सक्राइबर, कुवैत नेपाल से, आई डोंट नो कहाँ से हैं। अभी आने के बाद में पूछेंगे। चलो, काफ़ी टाइम से मिलने के लिए बोल रहे थे तो फिर मैं आता हूँ, मिल लेता हूँ। हाय गुड, कैसे हो? आप भी मैसेज कर रहे थे? हम आपसे मिलने के बहुत बेताब थे भाई। हाय वाह, थैंक यू। आप अभी तक आए नहीं? आके गया था कुछ टाइम पहले, तो यहाँ पे मिला। आपका बहुत वेटिंग किया, नेपाल से भी कितने कमेंट किया। हाँ मैसेज आ रहा था, बहुत आपको फॉलो किया था ना। तो भाई फाइनली मैं भाई लोग से मिल रहा हूँ एंड थोड़ी बहुत बातें करते हैं, देन आपसे वापस टॉक कर लेते हैं। पहले आप लोगों को मैं इनका नाम वगैरह बता दूं और ये कहाँ से हैं। आपका नाम? मैं नेपाल से है, मेरा नाम उमेश बस्तोला है। वाओ, मैं भी नेपाल से हूँ, मेरा नाम मोहन है, मोहन सुनार है। मोहन भाई, तो भाई का मैसेज आ रखा था कि मिलना है। तो फाइनली मैं आज मेरा छुट्टी था और मैंने डिसाइड किया था कि मैं शाम को जाके मिल के आऊँगा, तो मिल के अच्छा लगा मेरे को। और बताओ कैसे हो? तो भाई अभी जस्ट चाय भी पी के हो गया हमारा यहाँ पर एंड मैं जा रहा हूँ वापस से, जाता हूँ पैसे वगैरह भेज देता हूँ, मेरे को भेजना बहुत जरूरी है क्योंकि घर वाले वेटिंग कर रहे हैं। और सच में भाई मोहन भाई आपसे मिल के अच्छा लगा। अरे कुछ लोग होते हैं ना यार, बहुत मैसेज करते हैं और बहुत परेशान कर देते हैं यार, क्योंकि मैं ड्यूटी पे होता हूँ एंड उस समय ना वो अभी अब क्या बोल रहा है, मैं मोबाइल में क्या हमेशा घूमता रहता ना, तो बोलता है अब मोबाइल लग रहा है सबका, बंद करना पड़ेगा। तो थोड़ा सीन ये भी हो जा रहा है। तो मगर जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, भले से लेट करता हूँ मगर मैं करता हूँ। तो बाकी सब बढ़िया है ना। चलो मिलते हैं भाई लोग, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। ये वीडियो आएगा 3-4 दिन के बाद। हाँ आने के बाद नेपाली बंदा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। दिल की बात बोल दिया, बढ़िया बंदा है हमारा दोस्त है। नेपाल से उधर से आने के टाइम में बहुत मिस करके आया है, अभी मिला है इधर कुवैत में आके, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। मैं से बिना बोले भाई ने बोल दिया सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू सो मच। चलो भाई शुक्रिया। चलो एक अपना था जो जिससे मिलने का था, वो पूरा मिलके एकदम मस्त सही है, एकदम मजा आया यार। काफी लोगों से मत मजा, देखो कैसा देख रहा है, ड्यू क्या कर रहा है, यू क्या कर रहा है, बट फर्क नहीं पड़ता है पब्लिक में। अगर देखो ये मेरा काम है यार, अगर मैं इसको ही नहीं डालूंगा तो हाउ आई फील लाइक कि यार मैंने कुछ किया नहीं है। बट इन लोग मेरे को देख रहे हैं ना, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। तो लेट्स गो सेंड टू द मनी, सेंड करते हैं 2,20,000 रुपये और मजा आया। चलो तो गाइस पता नहीं किस लिए लाइन है मगर बहुत लंबा लाइन है, तो अपन भेजने जा रहे हैं पैसा लेट्स गो। और सुंदर परिया भी है यहाँ पर, खाली है, लग रहा है मेरा ही वेट कर रहे थे लोग। सेंड मी ना, बट यू सेंड 8 lakh और फिर 8 lakh 2 lakh टू 20,000 2,500 25 बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। 20,000 2,500 सो आई हैव ऑलरेडी माय नंबर राइट, अमाउंट है ना इसके अंदर शो करेगा, आपको दिखाता होगा। तो ये रहा मेरा पूरा चिट्टा पट्टा, स्टेट बैंक में तभी 34 सब कुछ साइन भी कर दिया। ओके बेटा, फाइनली भेज दिया भाई लोग, हो गए अपना पैसे वगैरह सेंड कर दिए। ये देखो 2,22,500 भेजा मैंने एंड इट्स लाइक कि मेरे सारे जीवन की जमा पूंजी चली गई अब यहाँ पर एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट ऑल्सो कि यार इतनी मेहनत करने के बाद मैं पैसे फाइनली भेज दिए। यस, अभी थोड़ा बहुत नाचेंगे कूदेंगे घर पर एंड खाना बनाएंगे। हाँ सबसे बढ़िया सीन है। चलो
तो गाइस इसी के साथ में आरती हमने ढेर सारा पैसा भेज दिया है आपके अकाउंट में। अब लखपति हो गई हो आप लखपति बन गई हो। ओके वाइफ, मेरी वाइफ हमसे कह रही है मैं तो अब अमीर हो गई। अनु किंडर जॉय खरीदोगे? किंडर जॉय अनु किंडर जॉय के लिए मैंने पैसे भेज दिए हैं। यहाँ वाह हो तो हाँ बोल रही है। तो फाइनली भाई मैंने इतना बड़ा अमाउंट भेज दिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मम्मी किधर है? चलो मम्मी का भी ब्लेसिंग मिल गया है, मम्मी भी बहुत खुश है एंड आई एम सो हैप्पी। तो भाई जिसका कर्जा था, जिसका मैंने मतलब बोरो कर रखा था, वो फाइनली मैं दे दिया हूँ। अब मैं टेंशन फ्री हो गया हूँ। सो हैप्पी फॉर दैट कि मैं टेंशन फ्री हो गया हूँ और दे दिया हूँ। चलो मैं मम्मी से बात कर लेता हूँ और घर पे चलते, क्या बनाना है क्या देखना है। मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ बचा है 15 KD मम्मी पूरे महीने के खर्चा के लिए। 15 KD और 6 KD का रिचार्ज बचेगा, 7 KD और पगार आने में है वापस पूरा 25 दिन। अब 25 दिन अपने आप को 10 KD में सर्वाइव करना है। अब कर पाता हूँ कि नहीं उसके अंदर एक अलग ही बड़ा चैलेंज है। तो चल मम्मा, थैंक यू सो मच। और भी पैसे भेजूंगा आपको। ओके टेंशन ना लो। तो अभी चलते अभी ऊपर। सब लोग, कुछ लोग है ना अपना एक मतलब अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर नहीं कर पाते कैमरा के सामने। बट आई एम मैं ठहरा खुला लड़का कि जो मेरा एक्सपीरियंस होता है मैं सब कुछ बता देता हूँ। फिलहाल जो ये मैंने पैसे भेजे हैं भाई, ये सब जो मेरी मेहनत है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी मम्मी को भी अच्छा लग रहा है, जस्ट जैसा कि अभी आपने देखा ही। एंड फाइनली घर पे भी आ गया हूँ और मैं थोड़ी बहुत बातें अपनी मम्मा से करूँगा एंड बताऊँगा कि कितने पैसे कैसे जमा हुए और पूरा सिनारियो। एंड ये अच्छा लगता है कि भाई मेरा ज़िंदगी का जो भी है ना मैं कैमरे के सामने रख दे रहा हूँ एंड आप लोग उसको देख रहे हो। आप लोग भी इतने सारे पैसे भेजोगे, टेंशन मत लो, क्योंकि एक मोटिवेशन आपको मिल रहा है अभी मेरी तरफ से। सो आई एम सो एक्साइटेड, मेरी मम्मा देख रही है मेरे को। एंड हाँ, ये है मेरा फैमिली टाइम, इसके बाद में खाना वगैरह बनाना है। बट आई एम सो हैप्पी फॉर पैसा फाइनली भेज दिया यार। और एक मेरे सर का सबसे बड़ा सर दर्द खत्म हो गया जिंदगी का। तो अगर आप भी कर्जे में हो, आने के बाद में कुवैत में अपना पैसा भेजो, अपनी फैमिली को और अपने परिवार वालों को अच्छा लाइफस्टाइल दो। तो अभी इस समय मैं थोड़ा गरीब हूँ क्योंकि जीरो हो गया मैं, क्योंकि किसी और को देना है। बट अगले महीने थोड़ा बहुत धीरे धीरे अमीर हो जाऊँगा वापस से, क्योंकि जब पैसा आएगा और आपका प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा तो यूट्यूब से भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो जैसे कुछ भी होता है यूट्यूब के बारे में भी आपको बताऊँगा कि मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है यूट्यूब से और वो भी आपको। तो चलो फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं और बाद में बात करते हैं। आई होप सो कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सब्सक्राइबर से भी मिल लिया, वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज, बाय।